जय हिंद दोस्तों, आज एक नया सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। एक वैकेंसी निकल के आई हुई है बिजली विभाग की ओर से, जो वैकेंसी निकल के आई हुई है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से, जो वैकेंसी निकल के PSPCL की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है। देखो ये बिजली विभाग की वैकेंसी है, तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट टेक्निकल से हैं उन लोगों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि भैया जो वैकेंसी निकल के आई है बम्पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। हालांकि हर स्टेट से वैकेंसी निकल के आ रही है, बस बिहार सरकार को छोड़कर। अब बिहार सरकार को मैं ज़्यादा बोलूँगा तो भाई हो सकता है तो हम पे भी NSA लग जाएगा, ठीक है। तो समझ ही सकते हो कि 18 के बाद से वैकेंसी नहीं निकल के आई हुई है, तो बहुत बच्चे निराश हैं और ये बहुत बच्चे वीडियो देखेंगे क्योंकि बिजली विभाग का वो लगेगा, ठीक है, थंबनेल लगेगा। तो देखो भाई, मैं आप लोग का मजबूरी समझ सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकते हैं, मैं अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। अब हम लोग क्या धरना दिए, क्या नहीं किए बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई चीज़ कुछ सुनने को मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको क्या बताऊँ बताओ, ठीक है। तो जो सामने है उसको देखा जाए, इससे अच्छा है कि भैया पढ़ो, जो सामने आ रहा है उसको तैयारी करो और बात ख़त्म करो, ठीक है, जब आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी कुछ न्यू ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है कि कब तक मतलब रिलीज़ किया जाएगा वैकेंसी, अभी कुछ ऐसा कुछ डाटा अभी मेरे पास भी नहीं है। हालांकि जिसके पास है वो भी बताएगा भी नहीं, लेकिन है भी नहीं और जो जिसके पास होगा बताएगा भी नहीं, ठीक है, ये बस हमेशा जान जाना, मतलब समझ के रखो, ओके। तो देखो ये जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, ये पंजाब से वैकेंसी निकल के आई हुई है, 544 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे, देखो 544 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है। मैं आप लोगों को एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा, बस पेशेंस रखना। ये जो वैकेंसी निकल के आई हुई है, यहाँ पे ITI वाले एलिजिबल नहीं है, पर डिप्लोमा वाले के लिए ही वैकेंसी निकल के आई हुई है, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट ITI स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को नहीं देखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर हाँ, अगर आप डिप्लोमा बीटेक किए हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है, आप वीडियो देखिए। 544 पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, पंजाब स्टेट की जॉब है, मतलब पंजाब सरकार वैकेंसी रिलीज की है। तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है, मैं आप लोगों को सब चीज़ बताऊँगा, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस सब चीज़ मैं बताऊँगा। 33 पेज में ये PDF रिलीज़ किया गया है, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान सब चीज़ ये लोग पूरा इसमें ठूस दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को काट कट के हर चीज़ को डिटेल में बताऊँगा, सब चीज़ इंग्लिश में, मैं हिंदी में करके आप लोगों को समझाऊँगा। अब देखो यहाँ पे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि क्या क्या काम करती है वो सब चीज़ है। देखो JEE का पोस्ट है, पोस्ट देखो जूनियर इंजीनियर का जो भी पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट आप लोग का 9/2/24 से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया, तो टाइम बहुत आप लोग लैप्स कर चुके हो, अब आपके पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत इंतज़ार कर लिए, अब 1/3/2024 से पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना। अब देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियरिंग सब स्टेशन एंड जूनियर सिविल, ये पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है। अब मैं नीचे दिखा देता हूँ आप लोगों को स्क्रॉल करके, देखो यहाँ पे जो पोस्ट निकला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी द फिल्ड फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग एज द डिटेल्स एज अंडर। देखो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन और टोटल यहाँ पे 544 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई है, 378 आप लोग का सिर्फ इलेक्ट्रिकल का सब स्टेशन के लिए, 112 है और आप लोग का सिविल के लिए 54 सीट पर वैकेंसी आउट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले के लिए यहाँ पे देख लो किसमें कितना सीट की संख्या है, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। अब डिटेल वाइज वोमेन वाले के लिए ये है, ठीक है, वर्टिकल में, उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में आप लोगों को देखना होगा किसमें कितना सीट है, किसमें क्या है, ठीक है। बैकलॉग वाला ये है, ठीक है, तो नीचे में भी आप लोग देख सकते हो, नीचे में जाओगे तो आप लोग पता चल जाएगा। उसके बाद से देखो जनरल वाले के लिए सीट है यहाँ पे निकला हुआ है, SC वाले के लिए, ST वाले के लिए, सर्विस मैन वाले के लिए, सब चीज़ यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया। मैं इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, दोनों चीज़, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मैं दोनों चीज़ें अवेलेबल कर दूंगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, मतलब वीडियो के नीचे आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे कोई भी चीज़ फेक नहीं होता है, क्योंकि भारत का नंबर वन टेक्निकल जॉब चैनल ये बनाया गया आप ही लोग के लिए बनाया गया, यहाँ पे जेन्युइन चीज़ से सब चीज़ जेन्युइन चीज़ आप लोग को बताया जाता है, जेन्युइन चीज़ से बिलोंग मैं करता भी हूँ, ठीक है, एकदम जेन्युइन से मैं हर चीज़ आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई बंदा को समझ में आ जाए, दिमाग में घुस जाए, ठीक है। रियलिटी से कभी भी मुँह मत मोड़ो, ठीक है, रियलिटी जो है वो है, मैं उसको कहीं भी बोल देता हूँ यार, सामने कोई भी हो, प्रधानमंत्री होगा उसको भी मैं बोल दूंगा यार, अब गलत हो तो गलत हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब सीट की संख्या यहाँ पे पूरा डिटेल में है, तो यहाँ पे इसको देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद से नीचे आते हैं हम लोग, देखते हैं कि नीचे क्या है, नीचे सब स्टेशन वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो आउट हुआ है, यहाँ पे जनरल वाले, WC वाले, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले के लिए, SC वाले के लिए है, ये सब चीज़ यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया। वुमेन वाले के लिए अलग यहाँ पे है सीट है,
तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पर भी आप लोग का मेन वाले के लिए बैकलॉग के लिए यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया, फ्रीडम फाइटर वाले के लिए है, एसपी के लिए, स्पोर्ट कोटा, प्रोफेशनल इंजीनियर वाले के लिए है, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वाले के लिए, हैंडीकैप वाले के लिए यहाँ पर मैंशन किया गया। टोटल सब चीज़ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, नोट में यहाँ पर सब चीज़ इंस्ट्रक्शंस दिया गया, ये सब चीज़ आपको पढ़ना होगा, डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक ऑफ प्रोफेशनली, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस यहाँ पर समझ लो, सबसे जरूरी चीज़ है। मैं एक इलेक्ट्रिकल का बता दूंगा, सब चीज़ समझ लेना, सब चीज़ वही टर्म एंड कंडीशन, सब स्टेशन और इसका दो बता देता हूँ। अब थ्री ईयर देखो, यहाँ पे बताया गया कि भैया थ्री ईयर या फोर ईयर का डिग्री डिप्लोमा है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, किसी भी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, या स्टेट लेवल से आप जो डिग्री है पढ़े हैं, या फिर सेंट्रल लेवल से, कोई दिक्कत नहीं, 60% लेकिन होना चाहिए। बीबीटेक है, नोट यहाँ पे बीबीटेक, बीएससी, एमएससी ये सब है, तो आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जितना हायर एजुकेशन है वो लगा सकते हो। सब स्टेशन वाले के लिए भी सेम टू सेम वही टर्म एंड कंडीशन है मेरे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, या फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे 60% यहाँ पर भी मांगा गया है, और बीबीटेक यहाँ पर भी जो है आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे बाध्य नहीं किया गया है, ये चीज़ साफ साफ यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद सिविल के लिए, तो सिविल के सिविल इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जब जो भी चीज़ है, सब स्टेशन वाले के लिए देखना, सब स्टेशन का बीबीटेक मांगा गया, बीएससी से है, आप एलिजिबल हो, डिप्लोमा भी एलिजिबल। अब 18 से 37, ठीक है, 18 मिनिमम है और मैक्सिमम आप लोग का 37 एज लिमिट है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन जो पंजाब स्टेट का होगा आपको छूट मिलेगा, 3 साल 5 साल 10 साल होता आप लोग को छूट, वेटेज आप लोग को देखने को मिल जाएगा, छूट मिलेगा ही मिलेगा, वो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आप देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी आप लोगों को कितना पे करना है, वो चीज़ यहाँ पे ऑल कैंडिडेट, देखो यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा फॉर्म को फिलअप करने के लिए, क्योंकि ये पंजाब स्टेट बोलती है कि भैया हम अपने राज्य के ही बच्चों को लेंगे। क्यों लेंगे अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज आना चाहिए, घुमा फिरा कान ऐसे सीधा नहीं पकड़ते, घुमा फिरा के ये लोग कान पकड़ता है, ठीक है, बकलोल बकलोली पूरा करता है, बकलोल बनाता भी है ये लोग स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, जैसे कि 1200 रुपये आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी हो गया, और 216 रुपये आप लोग को जीएसटी के साथ आप लोग को 1416 रुपये आप लोग को चार्ज देना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट एससीएचटी से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा कम है, 850 रुपये आप लोग को देना होगा, ठीक है। अब देखो रिजर्वेशन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया, पंजाब स्टेट वाले को ही यहाँ पर जो डोमिसाइल है उनको के बिलोंग करते हैं, जो भी पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको ही छूट मिलेगा, जो भी चीज़ है देखो यहाँ पे सब साफ साफ लिखा गया, द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट ऑफ पंजाब डोमिसाइल ओनली, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ भेदभाव ये लोग करते हैं, तो बहुत बुरा बात है यार, ठीक है, क्योंकि बिहार सरकार जब भी वैकेंसी आउट करती है तो ये सब चीज़ नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है, करती है लेकिन इतना नहीं करती है, ठीक है, कि बिहारी लैंग्वेज होना चाहिए, मराठी लैंग्वेज, ऐसा कुछ नहीं करती है, ठीक है, मतलब जो चीज़ें जेन्युइन है, ओके, वो अलग की बात है कि सबको जनरल में कर, अदर स्टेट को खाली बस जनरल में कर देता है, अपना स्टेट जो बच्चे हैं बिहार के बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा वेटेज देता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है कि बिहारी लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ अब देखो, यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वेटेज आप लोग का, जो भी आप लोग का ब्रांच है उससे आप लोग का 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज से आप लोग का 10 रहेगा, रीडिंग से 10 रहेगा, और इंग्लिश से भी आप लोग का 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ये चीज़ साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया। और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को टाइमिंग भी आप लोग का 2 घंटा रहने वाला है, तो टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा, टाइमिंग अच्छा खासा है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा क्वेश्चन को टच कीजिएगा तो ध्यानपूर्वक से ही टच कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप लोग टच कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंस है हम जानते हैं, डिप्लोमा होल्डर है, बीटेक होल्डर है, लेकिन मेरा काम है कहना यार, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब मेरा क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और भी कुछ नहीं दिया गया, सब चीज़ मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, उसके बाद से मैरिट लिस्ट बनेगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये सब चीज़ आप लोग को होते हुए गुजरना होगा, ठीक है। उसके बाद ज्वाइन लेटर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, फॉर्म को फिलअप कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।